देखिए, सबसे पहले जो है ये जो लॉकडाउन 4 है, चाहे लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, जो भी लॉकडाउन आप लोग कह रहे हैं, ये लॉकडाउन में तो बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार और अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात। मैं आपको आज बहुत राज खोलूंगा कि ये बिहार सरकार क्या कर रही है। खाली पेपरों पर काम कर रही है, खाली जो है सो कि पेपर में प्रिंट मीडिया में निकलवा दे रही है, 50,000 श्रमिकों को हम अथी देंगे, नौकरी देंगे, ऐसे करेंगे, कभी कह दे रही है, आज ऐलान कर दे रही है नीतीश सरकार कि जो है हम सबको पैसा देंगे, फिर कल होकर ऐलान कर रही है कि फलना कागज रहेगा तो वो हम देंगे। मानी ये सरकार अस्थिर है ये नहीं, आज क्या ऐलान करेगी, कल क्या ऐलान करेगी, इसका कुछ पता ही नहीं जनता को चल रहा है। दूसरी बात, जो भी मजदूर आ रहे हैं बाहर से, हमारे मजदूर भाई लोग, वो तो मेरे बिहार के हैं, सब लोग बिहारी लोग हैं, वो लोग का क्या हाल है? क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया को जाने से रोक क्यों लगाई सरकार? इसलिए सरकार लगाई कि सारा राज खुल जाएगा। आज क्वारंटाइन सेंटर मेरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, मोकामा में, घोसवरी प्रखंड में, पंडारक प्रखंड में क्या स्थिति है, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपना गाड़ी का अथी करके भाड़ा पर लेके चलूंगा और दिखाऊंगा क्या मंजर स्थिति है। वहां कोई देखने वाला नहीं है, सीओ अपना मोबाइल सब बंद किए हुए है, कोई जो है प्रतिनिधि फोन भी कर रहा है तो फोन नहीं उठाया जा रहा है, स्विच ऑफ बताया जा रहा है। लोग जो है सो कि अपने से ही, जो लोग गांव के हैं वो लोग स्कूल में रख के सबको खाना पीना सब अपना तरफ से दे रहे हैं, मगर लोग लोग कितना क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तो रहना चाहिए ना, उसका इलाज तो चेक तो करना चाहिए ना। अब पंडारक प्रखंड में क्या हुआ, दो आदमी का मजदूर का पॉजिटिव निकल गया, कितना लोग घर भाग गया। अब कुछ लोग आ रहा है रोड पर खड़ा है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कि कहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, क्या जाना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं, सब अपना घर चला जा रहा है। तो गांव के लोग, समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग जो लोग हैं, वो लोग मिल के सब लोग को स्कूल में, आपको घोसवरी प्रखंड बाबा चोहरमल के तरफ उधर है, उधर वहां पर रखा गया है, बहुत लोग को रखा गया है। और मैंने स्थिति इतनी भयावह है, इतनी भयावह होते जा रही है कि ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। हम तो आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि यहाँ पर जब तक राष्ट्रपति अब शासन लागू नहीं होगा, स्थिति अनियंत्रित हो गई है यहाँ पर, सरकार के जो भी कर्मचारी और अफसर हैं वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। आप लोग कितना वीडियो भी वायरल हुआ सुने भी कि कैसे गाली देता है SDO, कैसे लोग आपसे में मारापीटी कल दानापुर में अफसर लोग कर रहे हैं, क्या पानी के लिए आपस में मजदूर मारापीटी कर रहे हैं, पानियों उपलब्ध नहीं हो रहा है, एकाध जगह कुछ व्यवस्था है मेरे क्षेत्र में तो दाल भात चोखा कभी दिया कभी नहीं दिया, वो कुमड़ा के तरफ है व्यवस्था, कुछ दाल भात चोखा एक टाइम दिया, नहीं भी दिया, जो बात है सो हम आज ही बात बोलेंगे, गलत बात हम नहीं बोलेंगे, जो बात है सो हम परफेक्ट बोलेंगे। लोग जो लोग हैं पहले से उन लोग भी दहशत है, दहशत कायम करवा दिया है ये सरकार। मजदूर बाहर से आ रहे हैं, लोग भयावह है, जो जगह है जहां जनता लोग है वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, जिससे कि जनता भी लोग डर रहा है, कोरोना से तो अभी एक बहुत बड़ा ये डर न पैदा हो गया है सब लोग को, तो सब लोग डर रहे हैं। इसीलिए हम तो केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे, अब बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है, केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो है कि आप यहाँ पर खुद ध्यान दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, नहीं तो देश में जो है, बिहार में जो है, स्थिति बहुत भी भयावह होने वाली है। हम तो इन लोग मंत्रियों की बात करते हैं, एक मंत्री जो है भौं-भौं सिंह, वो भौंकते रहता है खाली, अरे क्षेत्र के बारे में हम कई बार बोले हैं कि राजनीतिक इसमें नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं टिकट के फेरा में गिट्टी बालू का फोटो दे रहे हैं, अरे जो आप सांसद से बात कर रहे हैं सांसद को बताइए।